ये एक प्रोपेगेंडा है। तो ये मौलाना क्या बीजेपी के हैं जी, जिन्होंने अभी फतवा जारी किया? और क्या है ये 5000 रुपए के नोट पे लेके आते हैं और डिबेट में आ जाते हैं और इस तरीके से बात करते हैं, बीजेपी को मजबूत करते हैं। क्यों बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, क्यों आप बस लग जाते हैं भाई ये बस मुसलमान एक मिल जाएगा देवबंद का, कोई शरीयत में नाचना गाना हराम है। अगर ये हराम है, शाहरुख खान नाचते हैं, सलमान खान नाचते हैं, आमिर खान नाचते हैं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, नाचने का जरूरी है कपड़ा उतार के नाचो? सलमान खान शर्ट उतार नाच देता है। मुस्लिम गायिका फरमानी नाज ने हर हर संभव गाना गाया, तो दूसरी तरफ देवबंद के मौलानाओं ने उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। और इस बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की एक षड्यंत्र के तहत ये देवबंद के उलमा जो उस पर फतवा जारी किया है, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से जयपुर में, राजस्थान में जो टेलर का जो मर्डर हुआ, जब उसका गला काटा गया, जब ये पता लगाया गया, जब ये आखिर है कौन, टेररिस्ट कौन है, आतंकवादी कौन है, तो उनका लिंक जो है, उनका जो तार जो है बीजेपी के कई नेताओं से और बीजेपी के पदाधिकारी, वो टोपी छाप जो भी बोले हों, अब हम इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत बात है। तो फरमानी नाज ये मैं ये जानना चाहता हूँ, वो क्या उन्होंने उनका बयान किया था कि शरीयत में नाचना गाना हराम है, आप मानते हैं नाचना गाना हराम है? शरीयत में नाचना गाना हराम है। अगर ये हराम है, शाहरुख खान नाचते हैं, सलमान खान नाचते हैं, आमिर खान नाचते हैं, अली खान नाचती हैं, और ये बड़े स्टार्स नाचते हैं, तब तो कोई फतवा जारी नहीं होता है। देखिए शरीयत में जो चीज हराम है वो कमर रिजवी मनाटी सेल का जिला अध्यक्ष को हलाल। आपके घर कोई नाच गाना नहीं होता? नाच गाना क्या है? नाच गाना ये है, आप ये बताइए। मैं क्या, आप ये बताइए आप किसी दोस्त के शादी में नहीं नाचे हैं? आप पहले बात सुनिए। देखिए इस्लाम धर्म में जो अश्लीलता को बढ़ावा दे वो सब चीज हराम है। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और मलिका शरावत जो है वो आगे नाचने के लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, अब उनकी अश्लीलता देख रहे हैं, सलमान खान भी नाचते हैं, मेरे भैया उनका भी विरोध करते हैं, मेरे भैया विरोध जो अश्लीलता को बढ़ावा दे, मतलब आपके अकॉर्डिंग पूरा बॉलीवुड बंद हो जाना चाहिए इस तरीके। बॉलीवुड नहीं, सब नाचते हैं, अश्लीलता सब नाचते हैं ना सर। भैया नाचने का जरूरी है कपड़ा उतार के नाचो? सलमान खान शर्ट उतार नाच देता है, ये गलत बात है ना? तुम चड्डी पे नाच रहे हो, हमें यार बिल्कुल, ये हिंदुस्तान है यार। नाचिए कपड़ा पहन के, कम से कम ऐसा नाचिए जो। लेकिन जो उन्होंने गाना गाया, गाने में ऐसा क्या अश्लील था? हर हर शंभू जो गाना है वो तो कोई अश्लील यार, वो तो भगवान का गीत है यार, वो तो भगवान का भजन है, वो तो बिल्कुल वो बधाई के पात्र हैं, तो वो गायिका जी इंडियन आइडल की वो है, वो ये गलत बात है। तो सर मुझे दो क्राइटेरिया, एक आप कह रहे हो कि कपड़ा पहन के नाचिए और बिना कपड़ा उतार के जो लोग नाच रहे हैं उनका, मैं क्या कह रहा हूँ भैया, ये जो चीज अश्लीलता को फैलाए वो इस्लाम धर्म में हराम है। मैं उस हराम को हलाल नहीं, अश्लीलता ठीक बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ नाचना गाना, आप शरीयत के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, लंबा अनुभव है आपका, मैं ये केवल जानना चाहता हूँ साफ साफ शब्दों में कि नाचना गाना सीधा सीधा हराम है या नहीं? सीधा सीधा इस्लाम धर्म में हराम है।